सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जतिन और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज है संडे और हर संडे की तरह हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको देंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट अपडेट, और इस अपडेट में आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे कुछ न्यूज़ और क्या कुछ हो सकता है आने वाले समय के अंदर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे। तो वो सब कुछ चीज़ें आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं इसी वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सब लोगों के लिए एक अपडेट है जो कि है क्रिप्टो करेंसी में जो स्कैम्स जिस तरीके के हो जाते हैं उसके अलर्ट के बारे में। स्कैम अलर्ट है मेनली, और आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ भी मेहनत नहीं करने चाहते, बुजदिल टाइप के लोग होते हैं वो, और उनको कभी भी अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास नहीं होता और ऐसे लोग बन जाते हैं स्कैमर्स। और स्कैम करने के लिए वो यूज़ करते हैं हमारे या फिर आपके किसी के भी नाम को, जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स के नाम को यूज़ करके, कि जो लोग थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता है कि जो लोग हेल्प करने की कोशिश करते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर लोगों को, तो उन्हीं के नाम से ही स्कैम कर लेते हैं कि हमको आप 1 BTC ट्रांसफ़र कर दो, या फिर आपके लिए एक ब्लॉकचेन का वॉलेट बनाया है उसके अंदर आप BTC ट्रांसफ़र कर दो और आपको XLM कॉइन मिलेगा या कोई और कॉइन मिलेगा। इस तरीके से आप सब लोगों के साथ स्कैम करने की कोशिश करते हैं और स्कैम करके आपका BTC हड़पने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए ऐसे बुजदिल लोगों से बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस चीज़ का सबसे अच्छा तरीका इस चीज़ का है कि अगर आपको अगर ऑथराइज और ऑफिशियल तरीके से अगर मेरे को कॉन्टैक्ट करना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ज़रिया है जो कि है टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं आपको डायरेक्टली कभी भी पहले अप्रोच नहीं करता हूँ। इस चीज़ के लिए अगर आपको मेरे को अप्रोच करना है तो उसके लिए सिंपल स्ट्रेट तरीका है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, हमारा टेलीग्राम चैनल, तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे को पर्सनली टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते भी हैं तो आप ही पहले होंगे जो कि मेरे को कॉन्टैक्ट करेंगे। मैं आपको कभी भी पहले कॉन्टैक्ट अपनी तरफ से नहीं करूँगा। तो इस चीज़ के लिए आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप बिल्कुल ऐसे जिस भी तरीके के स्कैम्स होते हैं, अगर आपको कोई भी अगर मेरे नाम से अगर कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे तो सिंपल आपको करना ये चाहिए कि जैसे ही वो पहला मैसेज भेजता है आपको ऊपर ब्लॉक यूज़र का ऑप्शन आता है, ब्लॉक यूज़र का बटन आता है, उस पर क्लिक करिए। उसके साथ ब्लॉक यूज़र के साथ स्पैम रिपोर्ट पर भी क्लिक कीजिए और उसको ब्लॉक कर दीजिए एकदम से, ताकि स्पैम रिपोर्ट करने से होगा ये कि वो किसी और को भी स्पैम जो है वो नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए विशेष ध्यान रखिए ताकि मैं या मेरे जैसे और यूट्यूबर्स जो आप सब लोगों को हेल्प करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आईडी भाई हो, ओपन फॉर प्रॉफिट से जिया भाई हो, चाहे वो क्रिप्टो इंडिया से आईडी भाई हो, संदीप भाई हो क्रिप्टो पॉइंट हिंदी से, या फिर और यूट्यूबर्स हो, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उनके नाम पर और हमारे नाम पर काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हो जाते हैं। हालांकि चैनल इतना बड़ा नहीं है लेकिन स्टिल अभी भी लोग जो हैं वो स्कैम करते ही हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एकदम से सतर्क रहना है ताकि आपको कोई भी इस तरीके से कोई भी स्कैम ना हो, ना ही आप किसी के कहने पर अपना BTC या कोई और कॉइन कि आपको फ्री में कुछ और क्रिप्टो करेंसीज मिल जाएंगी, ना ही कोई ऐसा कोई लालच में आपको नहीं भेजना है बिल्कुल भी कहीं पर भी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखिए, अपने अकाउंट्स खुद अपने हाथ से बनाइए, तभी वहाँ पर अपने बिटकॉइंस या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसीज को ट्रांसफ़र कीजिए। अदरवाइज़ ऐसे स्कैमर्स बहुत सारे हैं जो कि आपको स्कैम कर सकते हैं। आई गेस आप सब लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे एंड आगे आने वाले समय में आप इस सब चीज़ों का विशेष ध्यान ज़रूर रखेंगे। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और क्रिप्टो करेंसी एनालिसिस, मेनली बिटकॉइन एनालिसिस के पे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है आने वाले समय के अंदर। तो मैं आपके साथ अपने स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा, तो स्क्रीन शेयर करने के लिए मेरे को यहाँ पर BTC का चार्ट जो मैंने खोल लिया है, और आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर ये BTC का चार्ट, ये मैंने आपको पिछले हफ्ते ड्रॉ करके बताया था, ये ट्राइंगल मेनली जो ब्लू ट्राइंगल है और ये ऑरेंज कलर का जो सपोर्ट लाइन थी ये भी मैंने आपको ड्रॉ करके बताई थी। और 28 तारीख का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 28 तारीख के आसपास ऐसा हो सकता है कि यहाँ से प्राइस जो है वो ड्रॉप हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल जो है वो एक तरीके से एंड हो रहा था 28 तारीख को। तो वही हुआ कि 28 तारीख को यहाँ से ट्राइंगल जो है वो ख़त्म हुआ और उसके बाद प्राइस जो है वो ड्रॉप हुआ और प्राइस में हमको ड्रॉप देखने को मिला। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर इसने अभी एक सपोर्ट ले लिया है और सपोर्ट लेके रखा हुआ है करीब करीब 9000
450 के आसपास का सपोर्ट है, 9450 9420 के आसपास का सपोर्ट अभी इसने बना रखा है BTC ने, और उसके बाद जो है उसके नीचे नहीं आ रहा है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस के और चीज़ों पर अगर मैं जाऊँ, मेनली अगर मैं वीकली 21 EMA की तरफ अगर जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को वीकली 21 EMA दिखता है 8977 पे। तो फिलहाल के लिए करीब करीब 9000 के आसपास के ही लेवल्स हैं। इस सपोर्ट को मैं यहीं पर ही रख लेता हूं, क्योंकि यहां पर ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है और आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहां पर ये जो सपोर्ट लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके आसपास जो है ये एकदम से चल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि इसको टच करके बाउंस करने की भी कोशिश करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्टॉच RSI जो वो नीचे की तरफ आ चुका है। और साथ ही साथ अगर मैं डेली चार्ट पर अगर मैं मूव करूं, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि स्टॉच RSI यहां पर भी काफ़ी समय से नीचे की तरफ ही है, और MACD जो है वो ऊपर की तरफ बाउंस करने के लिए मतलब दिख ही रहा है कि MACD जो है वो ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है। आप यहाँ पर ये चीज़ जो है वो देख ही सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्रॉस ओवर बन सकता है डेली चार्ट पर। तो इन सब चीज़ों पर हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और मेनली जो रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पर, ये जो पर्पल कलर की लाइन है जो काफ़ी समय से ऊपर से ये BTC गिरते हुए आ रहा है इसी ट्रेंड के साथ में, तो हमको इस चीज़ के ऊपर भी हमको ध्यान में रखना है कि ये जो है ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है। तो मेनली जो सपोर्ट इस लाइन को अगर ड्रॉ करके अगर ऊपर अगर इसके ऊपर अगर निकलता है और क्लोज होता है अगर इसके ऊपर, तो फिर बुलिश रहेगा। और अगर जब तक इसके नीचे ही है तब तक हमको रहना चाहिए कि यहाँ पर अभी जो है वो बेयरिश ट्रेंड ही है। जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा, डेफिनेटली मैं आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि BTC से रिलेटेड हैं। इसके साथ साथ आपको जो मेनली अगर कोई और भी जो क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन अगर लेनी हो, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर चैनल पर डेफिनेटली मैं आपको वहाँ पे हेल्प करता ही रहता हूँ। वहाँ पर और भी लोग हैं डेफिनेटली जो हेल्प करते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड वहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी। प्लस अब इसके बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, वो ये कि जैसे कि आपने पता ही आपको कि कल जो है वो मंथ क्लोज़ हो चुका है अगस्त का, तो मंथली कैंडल ऑफ कोर्स क्लोज़ हो चुकी है, और उसके बाद वीकली कैंडल जो है वो आज क्लोज़ हो जाएगी 1 सितंबर को, संडे है क्योंकि आज, तो कल से मंडे नया हफ्ता नया वीक जो स्टार्ट होगा, और साथ के साथ जो नया मंथ है वो चीज़ जो है वो भी स्टार्ट होगा ही, ऑफ कोर्स जो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो इस चीज़ के लिए मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि हो सकता है कि मार्केट के अंदर कुछ कुछ चेंजेस हों, कुछ कुछ चीज़ें नई देखने को हमको मिले, हो सकता है कि आज रात से, हो सकता है कि कल से इन सब चीज़ों के लिए नई नई चीज़ें देखने को मिले। जिस तरीके से मार्केट में प्लान्स नज़र आ रहे हैं, मैं आपको वो सारी चीज़ें शेयर कर देता हूँ। कुछ बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं जिनके अंदर 3 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वो एक ऐसा ग्रुप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको वो नाम दे रहे हैं VVIP ग्रुप, या फिर VIP ग्रुप के नाम से वो प्लान कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो वहाँ पर मेनली जो उनका जो एजेंडा हो सकता है कि वो रियली में आपको हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा यूजुअली मैंने बहुत कम देखा है कि वो आपको रियली में हेल्प करना चाहते हैं। मेनली ये ग्रुप्स ऐसा करते हैं कि पहले खुद सारे जो कॉइन्स लगते हैं उनको कि पंप हो सकता है, जिसके अंदर वॉल्यूम कम है, वो पहले से खुद बाय कर लेते हैं, और फिर वो मार्केट में लोगों को बोलते हैं कि आप ये कॉइन्स बाय करो, और जैसे ही आप उन कॉइन्स को बाय करोगे वैसे ही उस कॉइन का प्राइस ऊपर उछल जाएगा, और वो जो है आपके ऊपर ही डंप कर देंगे। तो ऐसे किसी भी VIP ग्रुप या VIP चैनल को ज्वाइन करने से पहले एक बारी उनकी जितनी भी कॉल्स हैं और जो बाकी सब कुछ चीज़ें हैं उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ ज़रूर कर लें, उसके बाद ही आप इन सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ें। अदरवाइज़ मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अपनी एनालिसिस सबसे बेस्ट होती है, अपनी एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू है, और उसके साथ कॉइन मार्केट कैप पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और कॉइन मार्केट कैप पर जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अब वहाँ पर जाके किसी भी कॉइन का अगर आपको एक्चुअली में उसका टेलीग्राम चैनल या फिर ट्विटर का अगर आपको अगर लिंक चाहिए, जो ऑफिशियल लिंक है वो वहाँ से आपको मिल जाता है। कॉइन को सेलेक्ट कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, चैट पे क्लिक करेंगे, चैट पे क्लिक करके आप उसके टेलीग्राम के उस पे चले जाएंगे चैनल पे, और उसके अलावा अगर आप उसके सोशल मीडिया पे क्लिक करेंगे तो उसके आप ट्विटर अकाउंट पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करने के लिए फंडामेंटल आप कर सकते हैं वेरीफाई। साथ ही साथ कॉइन मार्केट कैल, कॉइन मार्केट कैल आखिरी में CAL है, वहाँ पर जाकर एक एक जो ऑथराइज वेबसाइट है, एक एक्चुअली ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको फंडामेंटली आपको बहुत सारी न्यूज़ वगैरह देखने को मिलती है। कुछ न्यूज़ जो होती हैं वो फेक भी होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और सब कुछ चीज़ें करना हमारा ही काम है। इस चीज़ के लिए सिंपल हमको ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप और ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स पर ही जाना चाहिए, जहां पर जाकर हम वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी न्यूज़ को या किसी भी फंडामेंटल को, तभी हमको उस फंडामेंटल के बिहाफ पर उस किसी क्रिप्टो करेंसी में किसी कॉइन के अंदर हमको
पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अपनी रिसर्च हमारी सबकी अपने साथ ही है और मैं इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ कि आप सब लोगों को सीखना चाहिए ये सब चीज़ों के लिए। और स्पेशली मैं इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफकोर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिली जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप पर मिली जाएगी। ऑफकोर्स मैं वहाँ पर आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो शेयर करता ही रहता हूँ। तो दोस्तों आई होप आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। फिलहाल के लिए आप सब लोगों के कुछ कुछ जो क्वेश्चन आए, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, वो भी क्वेश्चन कुछ कुछ ले लेते हैं जो आप सब लोगों ने भेजे हैं मुझे टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम हमारे ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर एक मैसेज आया है विद्यार का कि BTC अगर डंप हुआ तो ऑल्ट कॉइन कितना डाउन जा सकते हैं, अक्टूबर में ETF अप्रूवल हो जाता है तो BTC कितना जा सकता है। तो भाई ETF बहुत बड़ी बात होती है। ETF किसी भी कम्युनिटी या फिर किसी भी फील्ड में अगर इस तरीके से अगर आए, जैसे अगर गोल्ड में अगर जब ETF आया था तो डेफिनेटली मार्केट काफ़ी ऊपर गया था, और अगर इस तरीके से अगर ETF अगर बिटकॉइन में भी अगर आता है, इस तरीके की अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर बिटकॉइन में भी अगर आते हैं तो डेफिनेटली BTC का प्राइस बहुत अच्छे से जंप करना चाहिए, धीरे 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 करके काफ़ी ऊपर की तरफ जाना चाहिए। प्लस अगले साल मई में BTC की हालविंग भी है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमको ये चीज़ समझना चाहिए कि हाँ आगे आने वाले समय में BTC का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। और इस समय पर मैं कहूँगा कि अगर BTC का अगर मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देखूँ तो वो 8200 के आसपास मेनली सपोर्ट लेवल, जो सबसे लास्ट सपोर्ट लेवल बनता है वो है। अगर उसको तोड़ के अगर नीचे अगर आता है BTC तो डेफिनेटली 7000 को टेस्ट कर सकता है, और 7000 को भी अगर तोड़ के अगर ब्रेक करके अगर नीचे अगर कैंडल्स अगर क्लोज अगर होती हैं डेली कैंडल और वीकली कैंडल्स, तो उस सिचुएशन में एक वरी का पॉइंट ज़रूर हो जाएगा जहाँ पर मार्केट BTC का दोबारा से डंप हो सकता है। प्लस अगर मैं ऑल्ट की बात करूँ, ऑल्ट बहुत ज़्यादा ब्लीड कर चुके हैं जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, और जिस तरीके का भी मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है लगता यही है कि आने वाले समय के अंदर रिकवरी बहुत जल्दी होगी। जिस तरीके के प्लान्स भी चल रहे हैं जो बड़े बड़े ग्रुप्स और बड़े बड़े चैनल्स हैं, और जितने भी बिनांस की तरफ से भी जिस तरीके की इंटरनल कुछ कुछ सूत्रों से, मतलब मैं एग्जैक्टली नाम तो नहीं ले पाऊंगा लेकिन मेरे पास भी कहीं से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर आ रही है कि हाँ हो सकता है। ये मैं आपको क्लियर क्लियर बोल रहा हूँ कि ये ऑफिशियली नहीं है, लेकिन मेरे को ये कहीं से उड़ती उड़ती सी खबर आई है कि हाँ ऑफकोर्स हो सकता है कि बिनांस कल से अपने कॉइन्स को जो पंप है वो कराना शुरू कर सकता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती हैं चीज़ें। आपको इतना ज़्यादा नेगेटिव, इतना ज़्यादा ऑलरेडी दबाया जा चुका है, अगस्त का महीना ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, एक मेंटल जो सिचुएशन है वो इस तरीके से कर दी जा चुकी है कि आप लोग सोचने पर मजबूर हैं कि ये मार्केट ऊपर जाएगा भी कि नहीं जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें जो हैं इसी तरीके से ही चलती हैं मार्केट के अंदर। पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है, पेशेंस टेस्ट करने के साथ साथ आपके अंदर जितनी चीज़ें, जितना आपका पैसा है वो लगा हुआ है उसमें आपको एक डिप्रेशन देने का एकदम पूरा सा पूरा प्लान बनाया हुआ है। तो ये सब कुछ चीज़ें ऑफकोर्स वो अपना फ़ायदा ज़रूर सोचेंगे, जितने भी बड़े वेल्स और जितने भी बड़े एक्सचेंजेस हैं तो उनको अपना फ़ायदा ज़रूर चाहिए, आपके फ़ायदे से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो ये सब कुछ चीज़ों के लिए ट्रेडिंग अगर मैं कहूँ कि लॉन्ग टर्म में जितने भी बड़े ट्रेडर्स हुए हैं वो या तो अपना ट्रेडिंग सिस्टम बना के रखते हैं तो ही प्रॉफिट में रहते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, अगर आप बिना किसी ट्रेडिंग सिस्टम के ट्रेड कर रहे हैं तो एट दी एंड आपको उसमें लॉस होना तय है। तो ट्रेडिंग सिस्टम बना लीजिए, अगर नहीं है तो अगर आप ट्रेड करते हैं और ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो ट्रेडिंग सिस्टम बना लीजिए, अदरवाइज आपको इसमें लॉस हो सकता है क्रिप्टो करेंसीज में ही। मार्केट ऊपर निकल जाएगा लेकिन स्टिल आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर मुझे लॉस हो गया है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा आपको सतर्क रहना चाहिए, चीज़ों को आपको समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। प्लस हम आगे और क्वेश्चन ले लेते हैं, पर्लिन वाइब और ELF का बताओ। तो भाई अभी पर्लिन तो ऑफकोर्स नया कॉइन है और इस चीज़ के लिए हमने एक कॉल दी थी जो कि मैंने अपने गोल्ड चैनल पे भी दे रखी है। तो डेफिनेटली अगर आप बाय कर अगर आप होल्ड कर सकते हो विद होल्डिंग पावर तो ही आप इस कॉइन के अंदर लेना, क्योंकि नए कॉइन्स हैं और ये पूरा का पूरा मैटिक की तरह अपना जितना जो स्ट्रक्चर है वो बना रहा है। और अगर मार्केट में अगर IOs जितने भी हाल फिलहाल जो बिनांस के IOs अभी जो लॉन्च हुए हैं वो बिल्कुल भी पंप नहीं हुए हैं, अगर उनको पंप दिलाना है एक तरीके से तो यहाँ से ये चीज़ हो सकती है मार्केट के अंदर कि IOs के अंदर एक अच्छा खासा पंप जो है हमको देखने को मिल सकता है। IO कॉइन्स जितने भी बिनांस के वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुके हैं तो हमको एक पंप जो है वो एक्सपेक्टेड है कि हाँ हो सकता है। वाइब और ELF के बारे में बात करूंगा कि काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं लेकिन इनकी कोई भी अभी तक न्यूज़ वगैरह निकल कर नहीं आ रही। ELF का मेनली अगर मैं बात करूं कि मेन नेट होने वाला था लेकिन उसकी कोई भी न्यूज़ वगैरह निकल कर नहीं आई है अभी तक, तो इसी वजह से मैं अभी फिलहाल के लिए ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं ये कहूँगा कि कुछ समय रुकिए, मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव होने दीजिए, हो सकता है कि उसके बाद उनकी न्यूज़ वगैरह आ जाए तो फिर डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट ELF में भी होगा। इसी के साथ साथ इंडिया से जो एक
रेगुलेटरी बॉडी है, एक बॉडी है, मेनली रेगुलेटरी बॉडी तो नहीं कहेंगे लेकिन इस बॉडी को, इस बॉडी का नाम है IAMAI, राइट। इस बॉडी ने ये चीज़ कहा है कि RBI हैज़ नो अथॉरिटी टू बैन क्रिप्टो करेंसीज, राइट। ये मैंने पोस्ट भी किया था, तो RBI क्रिप्टो करेंसीज को बैन नहीं कर सकता, इस चीज़ के लिए बताया गया था। RBI सिर्फ ये कह सकता है कि हाँ ये लीगल टेंडर नहीं है, राइट। तो ऑफ कोर्स वो चीज़ RBI के हाथ में है, लेकिन बैन करना RBI के हाथ में नहीं है, ऐसा कह दिया जा चुका है। तो इससे, इसके लिए आपको ये चीज़ समझने की, या फिर अगर आप सोच रहे थे कि क्रिप्टो करेंसीज बैन हो जाएंगी और ये सब कुछ चीज़ें इंडिया में, तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन आया राकेश की तरफ से, जिसमें उन्होंने पूछा कि जितने भी स्मॉल कॉइन्स है, डेंट हो गया, हॉट हो गया, BTT हो गया, या फिर अगर मैं बात करूं अभी विन कॉइन भी जो आया है, राइट, तो क्या ये कॉइन्स जो हैं ये यहीं पर ही रहने वाले हैं, या फिर इसमें क्या कुछ होने वाला है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास पेशेंस है और अगर आप इसके अंदर अगर प्रॉफिट अगर निकालना अगर जाते हैं तो जानते हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली आने वाले समय में इसके अंदर फ़ायदा होगा। क्योंकि इसका रीज़न साफ साफ है कि बिनांस ने BTC पेयर के साथ साथ इन्होंने जो USDT में ट्रेडिंग जो स्टार्ट की है इन कॉइन्स की, वो डेफिनेटली मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा इसको पंप दिला सकती है आने वाले सिचुएशन में। क्योंकि अगर BTC पंप हुआ तो डेफिनेटली जो कॉइन्स अगर सतोशी लेवल में भी अगर नीचे जाएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर हमको USDT लेवल पर तो प्रॉफिट देखने को मिल ही जाएगा। तो ये कुछ मेरी एक्सपेक्टेशन है, बाकी लेट सी। और आने वाले समय में हो सकता है कि BTC भी अपना जो है ऑल टाइम हाई जो है वो बहुत जल्दी तोड़ दे। जितना डिप्रेशन का माहौल बनाया जा रहा है और आपको जताया जा रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा, हो सकता है कि मार्केट नीचे ना जाए और मार्केट सीधा ऊपर निकल जाए और आपको पूरा का पूरा रेक्ट करके, कि आप सोच रहे थे कि नीचे मैं कुछ बाइंग कर लूँगा और यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर चला जाए, हो सकता है कि 12,000, 14,000, 16,000, हो सकता है 20,000 क्रॉस करके और ऊपर के लेवल तक चला जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, राइट। सो लेट्स सी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। एंड इसके अलावा ये कुछ कुछ मैंने आपको बताया कि हाँ सेफ है कॉइन्स, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ही कॉइन्स बाय कीजिए जिसके अंदर, जिनकी जो कम्युनिटी है वो एक्टिव है। ऐसे कॉइन्स को बाय मत कीजिए जो कि कम्युनिटी एक्टिव नहीं है, राइट। तो ये कुछ कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आप सब लोगों को बताई। एंड स्कैम से डेफिनेटली मैंने आप सब लोगों को पहले भी बताया कि स्कैम से थोड़ा सा अलर्ट रहिए, बहुत सारे लोग आपको स्कैम करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा लोग आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है आपको बोलेंगे फ्री में कुछ कॉइन्स मिल जाएंगे, ऐसे सब कुछ चीज़ें हो जाएंगी। प्लीज़ डू नॉट लिसन टू देम, डू योर ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च खुद कीजिए, उसके बाद ही दूसरों पर भरोसा कीजिए। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, अपनी ऊपर पूरी की पूरी आप स्टडी नहीं करेंगे चीज़ों को लेकर, तब तक आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। इन सब चीज़ों के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप चीज़ें समझ पाए होंगे, आप सब लोगों के क्वेश्चंस को मैं आंसर कर पाया हूँगा। तो लेट्स सी आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि हमारे चैनल को और ग्रोथ मिल सके और ज़्यादा लोग इम्प्रोवाइज़ कर सके अपनी चीज़ों से रिलेटेड, या फिर उस टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड। बहुत जल्दी आप सब लोगों के लिए और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।